सो वसम गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। तो जो भी भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा वो भी कुछ इसी टाइप की फोटो एडिटिंग केवल लाइटरूम ऐप में एडिट कर लेगा। और मैं 110% लिख के देता हूँ कि वीडियो के लास्ट में आप भी सेम ऐसा फोटो एडिटिंग कर ही लेंगे। तो वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के एंड में आपका भाई वन क्लिक में भी कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग आप लोगों को एडिट करना सिखाएगा। तो वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप अगर कर देते हैं तो आप इस टाइप की फोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा, अपनी गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लेना होगा और लेने के बाद सिंपल से इसके शेयर के आइकन पे क्लिक करके और इस वाली फोटो को हम लोग क्या करेंगे ना, लाइटरूम के अंदर शेयर कर देंगे। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूं, वहां पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूं। जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ऑल फोटोज के आइकन पर क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा जिसे आपको एडिट करना है। तो गाइस इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले हैं और आपका भाई एक एक स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला है और वीडियो के लास्ट में आपका भाई वन क्लिक में भी एडिटिंग सिखा देगा। तो वीडियो को आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, साइड में ऐसे स्क्रॉल करेंगे और कर लेने के बाद सबसे पहले हम लोग इफेक्ट के आइकन पे क्लिक कर लेंगे। देन दोस्तों क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। तो सबसे पहले इसकी टेक्सचर की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करके प्लस साइड में 16% कर लेंगे, क्लियरिटी की वैल्यू इंक्रीज करके 16% कर लेंगे, डीआईएस की वैल्यू भी इंक्रीज करके इसे भी हम लोग 16% कर लेंगे। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद इसकी विग्नेट की वैल्यू हम लोग ऐसे कम करके ना इसे -56 कर लेंगे, मिड पॉइंट की वैल्यू भी हम लोग ऐसे कम करके इसे भी हम लोग 20% कर देंगे और इसकी फेदर की वैल्यू हम लोग ऐसे कम करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इसे, बढ़ा के मैं यहाँ पे 64 कर लेता हूँ। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग करते ही हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है जिसमें हम लोगों ने अपनी फोटो को ना इफेक्टिव को ऐड किया जिससे हम लोग की पूरी फोटो फुल एचडी में एडिट हो। तो गाइस यही था हम लोग का पहला स्टेप। और सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करने वाले ना, अपनी फोटो की कलर को करेक्ट करके एक बेहतरीन सी टोन को क्रिएट करने वाले हैं और इस स्टेप के बिना आप कभी फोटो एडिटिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो इस वाले स्टेप को आप अच्छे तरीके से देखिएगा। तो उसके लिए हम लोग सिंपल से क्या करेंगे ना, यहां से कलर्स के आइकन पे जाएंगे और सबसे पहले इसकी सैचुरेशन की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -14 कर लेंगे। देन दोस्तों इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू इंक्रीज करके 55 कर लेंगे, इसकी टिंट की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -26 कर लेंगे और इसकी टेम्प की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके ना प्लस साइड में 33% कर लेंगे। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ऊपर साइड में कोने में ना मिक्स टूल के आइकन पे क्लिक करना होगा और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने यहां पे ढेरों सारे कलर्स नजर आएंगे और इन्हीं कलर का यूज करके हम लोग टोन को क्रिएट करने वाले हैं। तो वीडियो को यहां पे आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, नहीं तो आप कभी एडिटिंग कर ही नहीं पाएंगे। उसके लिए हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, ब्लू कलर को सिलेक्ट करके इसकी सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे और सिंपल से हम लोग इक्वा ब्लू कलर को लेंगे, इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे और सिंपल से हम लोग ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 कर देंगे, ल्यूमिनस की वैल्यू भी डिक्रीज करके -30 कर देंगे और सिंपल से हम लोग येलो कलर को सिलेक्ट करके इसकी ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100, सैचुरेशन की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100, ल्यूमिनस की वैल्यू भी डिक्रीज करके -27 कर देंगे और सिंपल से मैं अपनी फेस वाले कलर को सिलेक्ट करके इसकी सैचुरेशन की वैल्यू ऐसे कम करके -32 कर लेता हूं, ल्यूमिनस की वैल्यू इंक्रीज करके 20% और सिंपल से मैं क्या करूंगा, रेड कलर को सिलेक्ट करके सैचुरेशन को ऐसे इंक्रीज करके 39% करके और डन क्लिक कर दूंगा। और डन क्लिक करते ही हम लोग की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल गया होगा। लेकिन गाइस अभी हम अपनी फोटो के अंदर कलर ग्रेडिंग नहीं किए हैं, वो कैसे करना आगे आपका भाई बताने वाला है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इस वाले स्टेप को आप अच्छे तरीके से देखिएगा, यही हम लोग का मेन स्टेप होता है। तो सिंपल से हम लोग मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग के आइकन पे चले जाएंगे और यहाँ पे आप लोग के सामने बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे जैसे कि शैडो, मिड टोन, हाईलाइट और ग्लोबल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शैडो में आके और अपनी फिंगर से पकड़ के कुछ इस टाइप से इसे घसीट करना, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऐसे ग्रीन साइड में करेंगे घसीट के बिल्कुल थोड़ा सा, और कर लेने के बाद आप ऐसे नीचे आइएगा, इसकी ह्यू की वैल्यू 125 रखिएगा और सिचुएशन को यहाँ पे 12 और इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू ऐसे कम करके -32 कर दीजिएगा, ब्लेंडिंग की वैल्यू इंक्रीज करके 100% और इसकी वैलेंस को भी ऐसे इंक्रीज करके 18 और सिंपल से आप लोग को हाईलाइट वाले में आके और अपनी फिंगर से पकड़ के इक्वा साइड में थोड़ा सा इसे ऐसे कर देना होगा। मैं भी यहाँ पे कर लेता हूँ, देख सकते हैं मैंने इतना कर लिया है। इसकी ह्यू की वैल्यू मैंने 209 रखा है और सिचुएशन को यहाँ पे 31 और सिंपल से मैं क्या करूंगा, ग्लोबल में आके और अपनी
फिंगर से पकड़ के कुछ इस टाइप से घसीट के ना इसे मैं ऐसे ब्लू साइड में कर दूंगा यहाँ पे, और थोड़ा सा मैं और बढ़ा लेता हूँ इसे ताकि हम लोग का प्रॉपर आए ऐसे। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ, और कर लेने के बाद इसकी भी ह्यू की वैल्यू 233 रखा हूँ और सेचुरेशन को 21, और सिंपल से मैं डन क्लिक कर दूंगा। और डन क्लिक करते ही मेरी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल गया है। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने दो स्टेप तो कंप्लीट कर लिया, और तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करने वाले, इस फोटो की लाइट को अच्छे तरीके से एडजस्ट करने वाले हैं। और इस स्टेप के बिना आपकी कभी फोटो ना फुल HD एडिट हो ही नहीं पाएगा। तो सिंपल से हम लोग लाइट वाले आइकन पे आएंगे, और इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू मैं ऐसे इंक्रीज करके 33% कर लेता हूँ, हाईलाइट की वैल्यू डिक्रीज करके -46 कर लेता हूं, और ऐसे नीचे के इसकी ब्लेड्स की वैल्यू ऐसे कम करके -26 कर लूंगा। और ये सारी सेटिंग करते ही ऑल टू ऑल आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल गया होगा। तो सिंपल से आप लोगों को बाद ना इतना सारा काम कर लेने के बाद ना सिंपल से आपको डिटेल्स के आइकन पे आना होगा, शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज करके 37% कर दीजिएगा, मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके 51%, नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 24%, और कलर नॉइस रिडक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करके 22%, और ऐसे आप पूरा नीचे के स्मूथनेस को आप 100% कर दीजिएगा। और ये सारी सेटिंग करते ही अल्टू वाला आपकी पूरी फोटो एडिट होके आ जाएगी, जो देखने में काफी ओसम एंड फारसी दिख रही है। तो इस फोटो को फुल HD में सेव करने के लिए ना शेयर के आइकन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका फोटो ये गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं वन क्लिक में अपनी फोटो को एडिट करना, तो मैंने इसी फोटो का प्रीसेट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से प्रीसेट को डाउनलोड करके वन क्लिक में अपनी फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।